अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ जानकारी ऐसी आ रही है जो कि वैक्सीन के हवाले से उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है जो लोगों को कोवैक्सीन लगी है बायोटेक की, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी खबर आने वाली है। तो क्या अपडेट है क्या नहीं वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि हॉलीडे के हवाले से है और आप लोगों की तरफ से सवाल जवाब हैं उनके हवाले से है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल गए, जो स्मार्ट मीटर हैं वो सालमी एरिए से शुरू हो चुके हैं जो कि बिजली वगैरह के हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती थी हर चीज़ को लेकर। जो है अब पूरे कुवैत के अंदर ये सारी चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी और इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वगैरह सारी चीज़ों को जो है बचत होगी और ये सारी चीज़ें जो स्मार्ट मीटर वगैरह हैं वो लागू कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है, अच्छी खबर है ये। इंडियन एम्बेसी ने जो है मीटिंग करके बात की है जो क्या कोवैक्सीन के हवाले से जो इंडिया में लगाई गई है और इसको बहुत ही जल्दी आने वाले वक्त में गवर्नमेंट जो है वो भी अप्रूवल देने वाली है कुवैत की। अब क्योंकि WHO जैसे ही इसको परमिशन वगैरह जो भी है सारी चीज़ जो है वो परमिशन वगैरह अब दे देगी, तो उसके बाद में क्या है जो अलग अलग कंट्रियाँ हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से परमिशन देनी है। वो सारी चीज़ को देखते हुए आने वाले वक्त में जो कोवैक्सीन लगाए हुए हैं लोग, तो जल्दी ही कुवैत गवर्नमेंट भी इस चीज़ को परमिशन देने वाली है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बात की है और बात करने के बाद में पता लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला आने वाला है। तो हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर जिन लोगों ने वैक्सीन को कोवैक्सीन लगवाई है तो उनको बहुत ही जल्दी एंट्री मिलना शुरू हो जाए। तो ये गुड न्यूज़ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, क्या लगता है आपको कि एंट्री मिलना शुरू होगी या नहीं मिलना शुरू होगी। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आई निकल के 21 अक्टूबर को जो है पब्लिक हॉलीडे जो है वो ऐलान किया गया है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी एक आपके लिए छुट्टी की खबर है कि आप अपना पब्लिक हॉलीडे जो है 21 अक्टूबर को मना सकते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी ड्राइवर का काम वगैरह करते हैं, ड्राइवरिंग वगैरह करते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्राइवर लोगों के लिए एक नया कायदा कानून जो है वो बनाया गया है। अगर बेफजूल बेमतलब ड्राइविंग करते समय आपने रोड पर गाड़ी रोकी, किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं है, तो आप पर जो है 1 वीक के लिए जेल आपको डाला जा सकता है और फिर आप पर जुर्माना वगैरह भी लगाया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी वगैरह में कोई इंजन में ख़राबी वगैरह आ गई, किसी भी तरीके से कुछ भी हुआ, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो गाड़ी है वो ख़राब हुई है। लेकिन जो लोग कहीं पर भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है अब बहुत ही जल्दी जो है इस तरीके से जो है अगर देखा जाएगा कहीं पर भी, तो ऐसे लोगों को 1 वीक के लिए जेल में डाला जाएगा और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर करी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लोग एंट्री करना चाहते हैं नए वीज़ा पे, वो एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि भाई अभी एंट्री करें या न करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कर सकते हैं एंट्री में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।